हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के नए ब्लाउज की कटिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो कॉटन का बॉर्डर वाला ब्लाउज आता है ना, इस ब्लाउज की कटिंग मैं आपको बताऊंगी। इसमें ज़्यादातर ना लोगों को प्रॉब्लम होता है कि जो ब्लाउज का लंबाई है पूरा नहीं आ पाता है, या फिर अगर आप थोड़ा सा बड़ा बाजू पहनना चाहें तो बाजू की लंबाई भी नहीं आ पाती है। तो किस तरह से आप कटिंग करें कि कम कपड़े में आपका ब्लाउज का लंबाई भी आ जाए और आपका बाजू भी कम से कम 5 से 6 इंच का आ जाए, तो सारा चीज़ इस वीडियो मैं क्लियर करने वाली हूँ। और ये जिस साइज का मैं कटिंग करने जा रही हूँ, 38 साइज चेस्ट का है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, आपके पास ये एक नाप का ब्लाउज है तो उसी से नाप करके आप अपने लिए एक अच्छे ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा नाप है, इसी नाप से नाप के हमें ब्लाउज कटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कपड़े को खोलेंगे। और ये हमारा 80 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा साइज है भी है इसके वजह से। सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़े को खोलेंगे और इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। ऐसे उल्टे साइड से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 38 साइज चेस्ट के लिए ना हम कपड़े को फोल्ड कर लिए, इसको डबल फोल्ड कर लिए। आप देख सकते हैं ये जो बॉर्डर है ना, इसी के साइड से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो आप अपने साइज के हिसाब से कैसे कपड़े को फोल्ड करेंगे वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। ये एक साइड का आप नाप लीजिए, देखिए मेरे में एक साइड का यहाँ पर आ रहा है ना 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। आपके ब्लाउज में एक साइड का जितना है उसमें 2 इंच आपको बढ़ा लेना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, कितने लोगों को इंची टेप का ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उनको दिक्कत होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए 9.5 तो हमारा आया था, सीने का चौथाई भाग तैयार आया था, इसमें हम 2 इंच बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे कितने में हो जाएगा, 11.5 इंच में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई लेनी है। फोल्डिंग तो हमारी हो गई, अब हम लंबाई लेंगे। देखिए ब्लाउज को लेंगे और यहाँ पे इसी ब्लाउज के नाप से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शोल्डर के पास पकड़ना है और नीचे से कपड़े को बराबर कर लेना है। ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे, इसको खींचते हुए नापेंगे। कभी भी ब्लाउज आपको लूजिंग देके नहीं नापना है, नहीं तो फिर आपका ब्लाउज छोटा हो जाएगा। अब यहाँ नीचे के साइड हम 0.5 इंच छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा नीचे की साइड फोल्ड होगा। अब यहाँ से कितना हमारा लंबाई आ रहा है, यहाँ पे जितना तैयार लंबाई आ रहा है उतना कर लेंगे। अभी इसमें 0.5 इंच आपका शोल्डर में जाएगा, 0.5 इंच शोल्डर में आपका दबेगा। तो मुझे एक चीज़ इसमें चेंजेस करना है कि ब्लाउज का जो लंबाई है उसमें से 1 इंच हमें बढ़ाना है। जो नया वाला ब्लाउज बना रहे हैं उसमें 1 इंच बड़ा ब्लाउज बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपके अगर पास परफेक्ट नाप है तो आप बिल्कुल ऐसे नाप लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच बढ़ा ले रही हूँ। यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को सीधा करेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से यहाँ पे देखिए शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर में यहाँ पे कितना ले रही हूँ, 5.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि ब्लाउज का जो गला है मुझे डीप में बनाना है। अगर आप बोटनेक बनाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से शोल्डर लीजिएगा, लेकिन कॉटन के ब्लाउज में ज़्यादातर लोग डीप गला ही पहनते हैं। तो शोल्डर कितना ले लेंगे, 5.5 इंच। ये साइज आपको कितने तक लेना है, 32 से लेकर के आप अगर 40 साइज तक का ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें आप 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है डीप नेक के लिए। फिर से यहाँ पे 5.5 इंच पे नाप लेंगे और इसका आर्म होल का लंबाई कितना लेंगे। तो इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि 32 साइज से लेकर के 40 साइज तक आप आर्म होल की जो लंबाई है ना 0.25 इंच ले सकते हैं। कितना, 6 इंच में 2 पॉइंट कम। यहाँ पे जो 2 पॉइंट है ना 6 इंच से, इसको बस इतना कम कर लेना है। लाइन को सीधा करने के बाद से अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे सीने का चौथाई भाग लेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने ब्लाउज को लीजिए, जिस ब्लाउज से आप नाप लेके बना रहे हो, इसको ऐसे आपको रख लेना है, बिल्कुल अच्छे से फैला के ऐसे खींचते हुए, और जिस साइड आपकी हुक लगी है उस साइड आपको नापना है। ऐसे आपको यहाँ पे आर्म होल के 0.5 इंच नीचे से नापना है। तो ये मेरे में 9.5 इंच आ रहा है, तो आप डायरेक्ट 9.5 इंच ले लें सीने का चौथाई भाग, उसमें 2 इंच प्लस कर लें। अगर इस तरह से भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इसका जो पूरा है ना उसको नाप लें, तो पूरा 19 इंच आ रहा है। तो बस आप टेप को मोड़ लें, दो भाग में टेप को मोड़ लें और जितना इसका आधे आधा आ रहा है उतने पर आप मार्क कर लें। तो देखिए मैं टेप को फोल्ड कर ली हूँ और यहाँ पे हमारा सीने का चौथाई भाग आ जाएगा। तो ये तो आपका तैयार है, इतना आपको, इतने पे आपको फिटिंग करना है। तो इसमें हम ले लेंगे 2 इंच मार्जिन, आप उंगली से भी ले सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है 3 उंगली यहाँ पे आप मार्जिन ले लीजिए।
देखिए यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब कमर की नापी लेनी है आपको, तो इसमें भी आपको क्या करना है, बस ये जितना टोटल है ना उतना आपको नाप लेना है और फिर इसका आधा कर लेना है। इसमें भी टेप को हम मोड़ लेंगे आधे हाथ से, और जितना आपका ये आ रहा है ना फोल्डिंग, देखिए जितना फोल्डिंग आ रहा है उतने पे मार्क कर लेंगे। अब इसमें पीछे की साइड जो हम डॉट लगाते हैं, टेकिंग लगाते हैं, उसके लिए हम 1 इंच ले लेंगे। 1 इंच लेने के बाद से 2 इंच हम ऊपर सिलाई मार्जिन लिए तो 2 इंच नीचे भी सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनानी है, और अब आपको यहाँ पे पीछे की साइड के आर्म होल में सेफ देना है। तो कितने इंच भी आप सेफ दे कि यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा ना हो, और शोल्डर क्यों उतरता है सारा चीज़ मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पे देखिए 1 इंच 2 पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे, कितने पे, 1 इंच 2 पॉइंट पे। अब इसका आधा कर लेंगे, देखिए 6 इंच में 2 सूता कम है ना, इसका आधा करेंगे, और जहाँ इसका आधे आधा आ रहा है आपको वहीं तक सेफ देना है, यहाँ तक डायरेक्ट तिरछा नहीं करना है। अब यहाँ से पकड़ेंगे 2 पॉइंट नीचे से ही पकड़ेंगे ऐसे, और आपको सेफ दे के इसमें मिला देना है। तो इस तरह से अगर आप आर्म होल में सेफ दे रहे हैं तो इसमें ना झोल आने का प्रॉब्लम बहुत कम रहता है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है। अब इसमें गले की चौड़ाई ले लेंगे, गला का चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। गला का लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैं इसमें 11.5 इंच का गला कट करूँगी। यहाँ पे चाकोर बॉक्स तैयार कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स चकोर बॉक्स बना लिए हैं, और नीचे से के साइड से गले की चौड़ाई हम 3 इंच लिए हैं और ऊपर के साइड 2.5 इंच। अब आपको देखिए इस तरह से चकोर बॉक्स बनाने के बाद से ना कॉर्नर से आपको यहाँ पे 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम पे एक लाइन बनाना है, इसी लाइन को टच करते हुए आपको सेप देना है। देखिए ऐसे आपको इस तरह से इसमें 1.5 इंच पे सेप दे देना है। ऐसे बिल्कुल खड़े में आप अगर गले को कट करते हो कॉटन के ब्लाउज में तो यहाँ पे जो फिटिंग आती है बहुत अच्छी आती है। अब मैं आपको बता रही हूँ किस प्रॉब्लम से आपका शोल्डर उतरता है। कितने लोग बताते हैं कि आपको आर्म होल साइड गले को डाउन करना है, सॉरी कंधे को डाउन करना है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप डीप नेक का ब्लाउज बना रहे हो ना तो इस साइड आप 1/2 इंच शोल्डर को डाउन कर लो। इससे क्या होगी कि यहाँ पे पकड़ अच्छी आ जाएगी, जब आप स्टिच करोगे तो यहाँ पे जब ज़्यादा दबाव बनेगा तो यहाँ से शोल्डर नहीं गिरेगा। हल्का सा यहाँ पे तिरछा कर लेते हैं देखिए इस तरह से, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कटिंग मैं यहाँ पे कर ली हूँ, आप देख सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहती हूँ, कितने लोगों को कन्फ्यूजन रहता है ना कि जो आर्म होल का घेरा है मेरे हिसाब से है कि नहीं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि अपने नापी से आपको कैसे चेक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ना इस ब्लाउज को ले लेंगे जिसके नापी से आप बना रहे हो, और इसका पहले आर्म होल चेक करेंगे। देखिए ऐसे यहाँ पे इसका आर्म होल देखिए कितना आ रहा है, इसे आपको टेप को घुमा के जहाँ पे ज्वाइंट है वहाँ से नाप लेना है। तो इसका आर्म होल 8.5 इंच आ रहा है, तो आपको अपने में का जो है ना आप कटिंग के उसको चेक करना है। तो इसे भी देखिए ऐसे घुमाते हुए यहाँ पे चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे में भी 8.5 इंच ही आ रहा है। अगर आप में घेरा कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप नीचे से यहाँ पे मार्किंग करके छांट लें। अगर आपको लग रहा है कि घेरा ज़्यादा हो गया तो कटिंग करने से पहले ही इसको चेक करें, मैं कटिंग करने के बाद आपको बता रही हूँ, तो थोड़ा सा कम कर लो। इस तरह से आप अपने आर्म होल को भी परफेक्ट बना सकते हो। अब इसको साइड में करेंगे और यहाँ पे आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। बचे हुए कपड़े को आपको इस तरह से यहाँ पे सेट करके रख लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बढ़ा के इसको थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड कर लिए जितना हुकाई पट्टी में जाएगा। अब पीछे के पल्ले को लेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर रख लेंगे। ध्यान देना है कि ये जो फोल्डेड भाग है ना दोनों एक साइड होना चाहिए, और ये जो खुला हुआ भाग है वो दोनों एक साइड होना चाहिए। तो ऊपर से यहाँ पे बराबर मिला के रख लेंगे, बिल्कुल बराबर से मिला लेंगे। अब एक चाप छोड़ दें यहाँ पे हुकाई पट्टी के लिए, और अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका नापी किस तरह से है। मेरे नापी में यहाँ पे बेल्ट वाला ब्लाउज है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे बेल्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी पीछे के पल्ले से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ जो हमारा पट्टी में जाएगा।
एक इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेने के बाद से देखिए नीचे की जो लंबाई है क्लियर हो गई कि पीछे के पल्ले से आगे के पल्ले की लंबाई 1 इंच बड़ी रहेगी। अगर वहीं पे बिना बेल्ट का ब्लाउज है तो आपको मात्र यहाँ पे 1/2 इंच से भी एक सूता कम बढ़ा लेना है, यहाँ पे 1 इंच नहीं लेंगे, 1/2 इंच ले लेंगे कम से कम। अब क्या करेंगे, बिल्कुल इसके बराबर से पहले कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आगे और पीछे दोनों पल्ले की हमारी नापी में कटिंग हो गई। और आप डरिए मत, आपको बाजू में साइड से निकालना बताऊंगी। देखिए साइड में कितना एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है, बस बॉर्डर को वहाँ पे सेट कर देंगे। तो बाजू की कटिंग मैं अभी बाद में बताऊंगी, तब तक आगे का पल्ला पहले क्लियर कर ले रही हूँ। देखिए पीछे के पल्ले को इसके ऊपर से हटा लेंगे और इसको अपने साइड ऐसे घुमा ले रहे हैं। घुमाने के बाद से ना अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/2 इंच पे एक सीधी लाइन बना लेनी है। जितना आपका नीचे कमर पट्टी जब आप ज्वाइंट करोगे, जो पट्टी यहाँ पे सिल के अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, तो उसमें आपका इतना मार्जिन जाएगा। अब यहाँ के बाद से आपको देखना है कि आपकी जो पट्टी है उसकी चौड़ाई कितनी है। यहाँ पे देखिए मेरे में पट्टी यहाँ पे 3.5 इंच का है, तो इसमें हम थोड़ा सा और ऐड कर लेंगे, 4 इंच का यहाँ पे कर ले रहे हैं। इस साइड 4 इंच रहेगा तो दूसरे साइड यहाँ पे 3 इंच में 2 पॉइंट कम रहेगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, पहले इसमें हम गले का नापी ले ले रहे हैं और टक्स का मार्किंग करेंगे, उसके बाद से इसमें हम सेफ देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई 2.5 इंच ले लेंगे। और गला का लंबाई आपको कैसे नापना है, अपने साइज के हिसाब से आप इस तरह से रख लो इसमें। यहाँ पे देखिए आप बराबर करके इसको रखो और तब यहाँ से आपको बिल्कुल सीधे में नाप लेना। तो मेरे साइज में ना 6 इंच पे तैयार है गले का लंबाई, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच ले लेंगे, क्योंकि हुकाई पट्टी में भी इसमें से कपड़ा जाएगा इसके वजह से। और यहाँ पे सीधा लाइन बना लेंगे। फिर गले में यहाँ पे गोल गले का शेप दे दे रहे हैं, आप चाहें तो किसी और गले का भी शेप दे सकते हैं। तो गले की मार्किंग करने के बाद से अब यहाँ पे हम आर्म होल में हल्का सा छटाई कर लेंगे ऐसे यहाँ पर। अब यहाँ पे टक्स पॉइंट लेंगे, तो आपको फिर से अपने ब्लाउज को लेना है और इसको सीधा करके रखना है ऐसे। तो देखिए इसमें ना आपको ये चीज नापना है ना, 1/2 इंच टेप को बाहर की साइड निकाल लीजिए और ऐसे खींचते हुए नापिए। देखिए कितने इंच पे आ रहा है, 9 इंच 2 सूता पे आ रहा है। कितने पे आ रहे हैं, 9 इंच 2 सूता पे। और यहाँ से इसकी जो लंबाई है ना 2.5 इंच है, तो ऐसे आपको नाप लेना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 9 इंच 2 सूता पे मार्किंग करेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई कितनी आई थी, 2.5 इंच ले लेंगे। 2.5 इंच में आप 2 पॉइंट बढ़ा लें, क्योंकि हुकाई पट्टी में यहाँ पे इतना कपड़ा आपका जाएगा। ये हो गया 2.5 इंच। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेप को लेंगे और यहाँ से इसकी दूरी नापेंगे, ये 4 इंच पे है। तो यहाँ पे ना 4 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे करके। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इस टक्स की जो दूरी है ना, यहाँ से तो आपका क्लियर होगा कि आपको 4 इंच पे इसको रखना है, लेकिन फिर से मैं आपको ऊपर से भी बता दे रही हूँ कितना नीचे आपको इसको लेना है। पहला वाला था 9 इंच 2 सूता पे, तब इसको लेना है आपको 11 इंच में 2 पॉइंट कम पे। फिर इस साइड वाला ले लेंगे 10 इंच पे यहाँ से, और इससे इसकी दूरी होनी चाहिए 2-2 इंच की। यहाँ पे 2-2 इंच की गैपिंग आपको लेनी है। फिर ये वाला टक्स भी आपका 2 इंच की दूरी पर ही रहेगा, और ये वाला टक्स आपको शोल्डर से लेके 8 इंच पे करना है। तो ऐसे आपको ना यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लेनी है। पूरे को मिला के अगर गोल सर्कल बन जा रहे तो समझ लिए टक्स आपकी परफेक्ट है। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, टक्स की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई है, और ऐसे यहाँ पे घुमा लेंगे इसको और बेल्ट में सेफ देंगे। तो कभी भी बेल्ट में इस साइड कम रहता है, 1/2 इंच 2 सूता कम रहता है इस साइड, और इस साइड ज्यादा रहता है बंद भाग की तरफ। और आपको कभी भी ना बेल्ट को ऐसे नहीं करना है कि यहाँ पे आपको स्केल को रखना है, यहाँ पे मिला देना, आपको राउंड देते हुए इसमें सेफ देना। आप देख सकते हैं कैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आपको भी करना है। यहाँ पे देखिए एकदम अच्छे से इसका सेफ आ गया है।
तो बेल्ट की भी जो मार्किंग है यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई। और अब यहाँ से आर्म होल को थोड़ा सा छांट लेते हैं। इसको छांटने के बाद से ना आगे की पल्ली की जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई, और पीछे के पल्ले की भी, इसको हम बाद में कट कर लेते हैं। अभी देखिए बाजू के लिए यहाँ पे हम कैसे मार्किंग करेंगे। यहाँ पे बाजू की कटिंग बच गई, तो बाजू की कटिंग से पहले आपको जो नीचे का बॉर्डर दिया रहता है बाजू के लिए, उसको पहले कट कर लेना है। हाफ इंच आपको प्लेन कपड़ा छोड़ के कट करना है। इस साइड से भी जो थोड़ा सा बचा है उसको कट करके क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे प्लेन कपड़ा जो बच गया उससे हम बाजू कट करेंगे। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है। 9.5 इंच सीने का चौथाई भाग आया था, तो 9.5 इंच पे आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है मार्जिन के साथ, इतना हो जाएगा। अब आपको 1/2 इंच इसके ऊपर चढ़ा के इस तरह से बॉर्डर को पिनअप कर लेना है, क्योंकि नीचे की साइड जब आप इतना बॉर्डर ज्वाइंट करोगे तो आपको बाजू बढ़ेगा। तो आप पहले इसको सेट कर लो कि समझ में आए। अब देखिए नीचे से 1/2 इंच छोड़ के ऊपर जितना बाजू का लेंथ आ रहा है उतना ले लेंगे 1/2 इंच बढ़ा के। फिर इस साइड भी ना फिटिंग की मार्किंग करेंगे, फिर एक चाप की दूरी पर एक और ऊपर की साइड मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप पुराने ब्लाउज का जो बाजू होता है उसको रख के ये कर सकते हो। 8.5 इंच हमारा घेरा आया था और 1.5 इंच हमारा मार्जिन बच जा रहा है। नीचे से मोहरी के बगल में भी हम 1/2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसको 3 इंच डाउन करके हम कट किए हैं बाजू को, देखिए। तो अगर आपको बिना नाप से कट करना है तो 3 इंच डाउन करके आप बाजू को कट कर सकते हो। तो इस तरह से बहुत इजीली आप बड़े बाजू बना सकते हो इस टाइप के ब्लाउज में, और आपका ब्लाउज का जो लेंथ है वो भी नहीं कम पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बाजू की कटिंग हो गई है। अब इसको पलट के रखेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको पलट के रखेंगे। पलट के रखने से ना बाजू के किसी भी साइड ना घेरा कम नहीं पड़ेगा। अब इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो दोनों बाजू की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और नीचे के साइड बस इसमें बॉर्डर ज्वाइंट कर लेना है आपको, देखिए कुछ इस तरह से करना है। बाजू के सीधे साइड रखेंगे, बॉर्डर का सीधा और बाजू का सीधा साइड अंदर की साइड रहेगा, और ऊपर से सिल के इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा कि ज्वाइंट हुआ है बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर के किनारे का जो रेसा होता है नहीं समझ में आता है ज्वाइंट पर। अब यहाँ से देखिए उरेबी पट्टी यहाँ से कट कर लेंगे, पाइपिंग के लिए या फिर तुरपाई के लिए आप जो भी बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 1 इंच एक सूता चौड़ाई में पाइपिंग के लिए पट्टी की कट किए हैं, 3 इंच चौड़ाई में बटन का जो पट्टी होता है, और ये पतला पतला पट्टी हम इसलिए कट किए क्योंकि नीचे के साइड इसमें हमें जोड़ के पलटना है आगे के पल्ले में, मार्जिन नहीं नीचे लिए हैं हम फोल्डिंग के लिए। यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का